हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू सम की हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक सर्वे आए तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अब किस काम का. इकोनॉमिक सर्वे से कुछ क्वेश्चन हमें अभी प्रीलिम्स के अंदर भी देखने को मिले थे एंड पीआईबी से जो बेसिकली हमने पॉइंट्स इसके लिए पिकअप किए हैं, जो पीआईबी के अंदर ना एक इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है उसमें से हमने इसके पॉइंट्स पिकअप किए हैं, तो वो पॉइंट्स आपको आपके फेज टू के अंदर भी उसमें से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आपको रेफरेंसेस डालने हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे काफी अच्छा रेफरेंस होता है. ठीक है, तो सब्जेक्टिव के अंदर भी आप इसके जो की हाईलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसको यूज कर सकते हैं और ये आपको एग्रीकल्चर एआरडी सेगमेंट में भी हेल्प करेगा, ईएसआई सेगमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा, तो दोनों सेगमेंट्स के अंदर हेल्प करेगा दोस्तों. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस एंड बिफोर डूइंग दिस आई लाइक टू टेल यू कि इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स तो नॉर्मली जो है बोल्ड में और नॉर्मल टेक्स्ट में होंगे, कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो मैंने आपको रेड में दिए हैं. जो रेड पॉइंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशली ज्यादा फोकस करना है हमने. ठीक है, एंड 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है बेटा, अभी हैप्पी 50 करके 50% डिस्काउंट कोड चल रहा है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्या पॉइंट्स थे, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि देखो रियल टर्म्स में 2021-22 में जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी वो 9.2% थी. ठीक है, अब ये फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से थे, उसके बाद और भी एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जब प्रिपेयर हुआ तब अपने पास फर्स्ट ही थे, तो 9.2% बोला, तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता, हो सकता है कि ये चेंज भी हो गया हो, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने 9.2 बोल दिया, तो वो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ था, और 2020-21 में 7.3% से डिक्रीज हुआ था, 2021-22 में 9.2% से इंक्रीज हुआ है जीडीपी. इकोनॉमिक सर्वे ने 2022-23 के लिए जो करंट ईयर है इसके लिए भी प्रेडिक्ट किया, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया की जीडीपी 8 से 8.5% से ग्रो करेगी. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए रेड में इसको कवर किया. IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था, अगेन ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन उस टाइम पर IMF ने जो प्रेडिक्शन किया था वो था 2021-22 का 9%, 22-23 का 7.1%, ऑलराइट 9% 21-22 और 22-23 का, और 7.1% 2023-24 का. और अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला कि एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया के अंदर इन 3 सालों में. उसके बाद ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है दैट विल बी 3.9%, जो आपका 2021-22 का ग्रोथ जो आपको गिवन था. इंडस्ट्री का 11.8% और सर्विस सेक्टर का 8.2%. ये एग्रीकल्चर वाला तो याद कर ही लेना डेफिनेटली. उसके बाद कंजम्पशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है फिर भी कंजम्पशन की बात यहाँ पर आ जाती है. कंजम्पशन जो है 7.7% से ग्रो करेगा, 7.7% से ग्रो किया 2021-22 में. जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 15% से, और एक्सपोर्ट्स 16.5% से एंड इंपोर्ट्स 29.4% से, तो हर जगह हमको पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिकली देखने को मिली है. उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो सेकंड वेव का एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो सेकंड वेव आई थी 2021-22 के अंदर वो कंपैरेटिवली जो फर्स्ट वेव थी उससे छोटी थी. इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका कम था लेकिन हेल्थ इंपैक्ट उसका ज्यादा था, क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी जब अपने पास पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर देखो इतना कोई डेथ वगैरह नहीं हुए थे इंडिया में, लेकिन सेकंड वेव के टाइम पे काफी सारी डेथ्स हुई थी, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट कम था क्योंकि उस टाइप का फुल फ्लेज्ड लॉकडाउन भी नहीं लगा था कंट्री के अंदर, बट जो उसका हेल्थ इंपैक्ट था वो काफी ज्यादा था. फिस्कल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो 67.2% से इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस में. जो टैक्स रेवेन्यू होता है सरकार का उसमें भी 50% इंक्रीज देखने को मिला. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब आप कोई कैपिटल एसेट क्रिएट करते हो, कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हो, जैसे आपने कोई पुल बना दिया,
ठीक है, सरकार ने कोई ब्रिज बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो आप बेसिकली जो आपका रोजमर्रा का खर्चा है, जैसे आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा 13.5% से। उसके बाद जी आपका जो टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी था उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार का 46.2% के ऊपर आ गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्जा है, तो 2019-20 में 49.1% का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा था, ये बढ़कर के 59.3% हो गया। और इसके लिए सरकार कह रही है कि जो कोविड का टाइम था उसके चलते हुए ये इंक्रीज देखने को मिला है, बट ओवर द टाइम ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल सेक्टर्स में ये बोला गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंप्रूव हो रहे हैं, और कोविड से पहले के समय के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थे उसके मुकाबले इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया के अंदर जो कैपिटल फ्लो आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो भी हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। 2021-22 के पहले हाफ में $65.6 बिलियन इंडिया के अंदर हमने रिसीव किए एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो कमर्शियल बोरोइंग है, जो हम बाहर से बोरोइंग करते हैं इंडियन बिजनेसेस, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट एलोकेशन जो है, जो IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, वो भी इंडिया को इंक्रीज हो गए हैं। इंडिया का एक्सटर्नल डेट भी इंक्रीज हुआ है, हमारा एक्सटर्नल डेट जो है 593.1 बिलियन का पहुंच चुका था September 2021 में। उससे एक साल पहले अगर आप देखो 556.8 बिलियन था, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसका वन ऑफ द रीजन है जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट एलोकेट किया ना IMF ने, वो एक मेजर रीजन है। SDR एक ऑल टुगेदर एक अलग टॉपिक है, जिसको ESI के कंटेक्स्ट में आप पढ़ सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $600 बिलियन से इंक्रीज हो चुका है पहले हाफ में 2021-22 में, ठीक है। एंड 633.6 बिलियन था ये December 31, 2021 को, ओके। उसके बाद अगर हम November 2021 की सिचुएशन देखें, तो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है। उसके बाद मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात कर लेते हैं। क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि जो बाजार में पैसा डाल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, तो क्रेडिट ग्रोथ देखने को हमें मिली है 2021-22 में, ठीक है। सो 2021-22 में 2021 के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, अराउंड 9.2% पे हम पहुंच चुके हैं दिसंबर 2021 तक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 2017-18 में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, एडवांसेस थे, वो 11.2% थे, अब वो घट करके 6.9% हो चुके हैं, ठीक है। एंड अगर आप एक साल का पीरियड देखते हो, तो एक साल के पीरियड में 6% से 2.2% की गिरावट आपको देखने को मिलती है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, जो हम मेंटेन करते हैं एज अ सेफ्टी नेट, वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले 13% था 2013-14 में, अब 16.54% हो गया। तो ये परसेंटेजेस थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो ये सारा डाटा मैं आपको भी इस लेक्चर के अंदर दे रहा हूँ ना, इसके बाहर से कोई डाटा नहीं आएगा। और इसमें किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप कमेंट में, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CPI की भी बात इन्होंने की, CPI में इन्होंने बोला कि देखो जी CPI पिछले साल के मुकाबले CPI 21-22 के अंदर जो है वो कम हुई है। 20-21 में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन जो थी 6.6% थी, 21-22 में 5.2% हो गई है। और डिक्लाइन कैसे देखने को मिला है, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो खाने की चीजों के दामों में इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो कम हुई है। और फूड इन्फ्लेशन 21-22 के अंदर 2.9% थी, और पिछले साल में 2020-21 में इट वॉज 9.1%। और इसी का इफेक्ट आपको ओवरऑल इन्फ्लेशन की कटौती में देखने को मिलेगा। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है 2021-22 में, और वो बढ़ करके 12.5% हो गई है। तो जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, और होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। क्लाइमेट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे। तो नीति आयोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आया था, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने क्या हाईलाइट किया कि 2018-19 और 2019-20 के मुकाबले सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हुई है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर बढ़ा है, 18-19 में 57 था, 19-20 में 60 था, 20-21 में बढ़कर के 66 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट रनर स्टेट्स थी, यानी कि जो स्टेट्स इंप्रूव कर रही हैं,
जिनका जो 65 टू 99 में स्कोर कर रही है, तो वो 22 स्टेट्स हैं। 2020-21 में 22 स्टेट्स थी, 19-20 में 10 थी, तो उसमें स्टेट्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने क्या हाईलाइट किया कि इंडिया का 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड में, और साथ ही साथ थर्ड रैंक है हमारा जो फॉरेस्ट इंक्रीज देखने को मिला है 10 सालों में, 2010 से 2020 के बीच में। 2020 के डाटा के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का 24%, तो इंडिया पूरी दुनिया का 2% फॉरेस्ट एरिया इंडिया के पास है। अगर पूरे दुनिया में 100 हेक्टेयर लैंड पे फॉरेस्ट है तो 2 हेक्टेयर लैंड इंडिया का। उसके अलावा प्लास्टिक मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हम लेकर के आए, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, एंड हाल फिलहाल कर दिया गया है। ओके, उसके बाद जो ग्रॉस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं गंगा के एरिया में, जो बेसिकली पहले गंगा के अंदर डायरेक्टली अपना वेस्ट ड्रेन कर रहे थे, तो उन्होंने अब प्रॉपर कॉम्प्लियंस जो है वो इस्टेब्लिश की है, और पहले 39% इंडस्ट्रीज थी जो कॉम्प्लियंस कर रही थी ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जो वेस्ट है वो गंगा में अनट्रीटेड ना जाए। 2017 में सिर्फ 39% ऐसी इंडस्ट्री थी जो कॉम्प्लियंट थी, अब 2020 में 81% हो चुकी है। ओके, उसके अलावा अगर आप देखो एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो है जो रिवर के अंदर जा रहा है वो भी रिड्यूस हुआ है। ठीक है, 2017 में 349.13 मिलियन था और अब 2020 के अंदर 280.20 हो गया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स ना, ये वाले जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट सब्जेक्टिव के अंदर एनवायरमेंट से या रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कह सकते हो कि देखो इतना काम हो रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जब ग्लासगो गए थे तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए बोला था, जिसको बोला था लाइफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि जो इंसान का लाइफस्टाइल है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को प्रमोट करे, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करे, ना कि हम इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जिए जो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स देख लो, ये तो क्वेश्चन आपका फेज वन के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, फेज वन के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको ग्रोथ जो देखने को मिली 2021-22 में, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था 18.8% था। ठीक है, ऑफ द कंट्री रजिस्टिंग जो टोटल ग्रोथ है 3.6% से ग्रोथ हुई 2021 में, और 3.9% से 21-22 में ग्रोथ अपने को देखने को मिली है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन अभी भी पूछ सकते हैं, अभी जैसे जीवीए का पूछा था वो ग्रोथ का भी पूछ सकता है। एमएसपी पॉलिसी को यूज किया जा रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। जो नेट रिसिप्ट है क्रॉप प्रोडक्शन से वो 22.6% से इंक्रीज हुआ है एज पर लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे को मैंने काफी डिटेल में भी डिस्कस किया इन वन ऑफ माय वीडियो जो यूट्यूब पर है। लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है पिछले 5 सालों का वो 8.15% है, ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में एंडिंग 2019-20 जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 8.25% का है। एंड बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी हाईलाइट किया कि जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स हैं, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर भी या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में भी हैं, उन एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स में जो उनका मंथली इनकम है उसका 15% लाइफ स्टॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई परिवार एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड महीने के 1,000 रुपए कमा रहा है तो उस 1,000 रुपए में से 150 रुपए जो है वो उसको लाइफ स्टॉक सेक्टर से आ रहे हैं, जो एक काफी अच्छा परसेंटेज है। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 17.4% से ग्रो किया, पिछले सर्वे के टाइम पर नेगेटिव में था 15.3, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलती है। इंडियन रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, 2021 के अंदर 155.181 करोड़ रुपीज था। 2009-14 के बीच में जो एवरेज इंडियन रेलवेज का एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ 45,980 करोड़ था, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 21-22 के अंदर जो बजट था वो 2,15,058 करोड़ का था, तो इंप्रूवमेंट को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। ESI के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोड कंस्ट्रक्शन पर डे के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, 2019-20 में सरकार कहती है कि हम 28 किलोमीटर पर डे रोड बनाते थे, लेकिन अब 2020-21 में हम 36.5 किलोमीटर डेली रोड बनाते हैं, तो ये 30.4% का इंक्रीज जो है रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिला है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। बहुत क्विकली मैंने इनको कवर किया क्योंकि क्विकली ही करने थे, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है। अब आपने बस ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको कर लेना है, ठीक है। चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सी यू।